नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत अफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड के बाद सीएम योगी द्वारा दी गई चेतावनी के बाद आसपास के जनपदों में पुलिस कोई चूक करने के मूड में नहीं है। गुलावटी में भी पुलिस द्वारा शराब की दुकानों पर कार्यरत सेल्समैन को सलाह दी गई कि जो लोग उनकी दुकान से शराब खरीदने आते हैं उनका नाम और पता सेल्समैन अपने रजिस्टर में दर्ज करें। पुलिस की इस पहल के पीछे नकली और अपमिश्रित शराब पर लगाम लगाना है। पुलिस चाहती है कि न सिर्फ जहरीले शराब बल्कि शराब माफियाओं पर भी नकेल कसी जाए, जिसके लिए बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह खुद भी अलग अलग शहरों में न सिर्फ शराब की दुकानों पर रेड कर रहे हैं, बल्कि पुलिस जिन लोगों को पहले भी शराब बेचने के आरोप में जेल भेज चुकी है उनके ठिकानों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। गुलावटी में भी शराब की दुकानों में कैमरे लगाना और रजिस्टर में ग्राहक का नाम पता नोट करना भी उसी कार्रवाई का हिस्सा है। संवाददाता इकराम खान की रिपोर्ट। आपका राजीव कुमार, प्रशासन के निर्देश हुए हैं शराब को लेकर के नए बिक्री के, किस तरीके से उनका पालन कर रहे हैं और क्या क्या औपचारिकताएं पूरी की जा रही है? हमने एक नया रजिस्टर बनाया है जिसमें कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर और ब्रांड नेम और क्या ले रहा है वो, हाफ क्वार्टर बोतल और प्लस एड्रेस सारे चीजें नोट कर रहे हैं। तो करीबन कल हमने 160-165 लोगों का नामांकन किया है। आप यहाँ शराब के दारू के ठेके पे रहते हैं? जी सर। तो यहाँ नए जो शासन के निर्देश जारी हुए हैं, सरकार के निर्देश जारी हुए हैं, प्रशासन ने कहा है, तो उनका किस तरीके से पालन कर रहे हैं और क्या क्या औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं? सर, बिना मास्क के तो ना दारू दी जा रही है जी, मास्क का पालन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है और सर जो शासन के निर्देश हैं, जो आदेश हुए हैं कल से कि कस्टमर का ब्यौरा मतलब डिटेल्स हमें लिखनी पड़ रही है, ये देखिए सर इसमें लिखा हुआ है। तो कल से हम ये सब कर रहे हैं, जो आदेश है सरकार का उसका हम पालन कर रहे हैं। सरकार के निर्देशों को लेकर के जो अभी आपको ये औपचारिकता पूरी करनी पड़ रही है, इससे कोई परेशानी आपको आ रही है? नहीं सर, इससे कोई परेशानी नहीं आ पा रही है। आने वाले ग्राहक जो हैं, जो दारू खरीदने आ रहे हैं, ग्राहकों की तरफ से कोई इस बात को लेकर के आपत्ति? सर कुछ ग्राहक आते हैं ऐसे कि आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं, फिर हम लिखते हैं तो कोई बात नहीं है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।